राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के अचिंत्य गोलोक धाम का दर्शन करेंगे, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रवेश निषेध है। हम कौन हैं? कहां पर हमें जाना है? भारतवर्ष के सभी वैष्णवों के मन में मरणोपरांत गोलोक धाम की कामना रहती है, पर ये गोलोक धाम है क्या, कहाँ पर है, ये कैसे जाते हैं? यूं तो इसके बारे में शायद वही बता सकता है जो गया हो, परंतु जाने के बाद वहां से कोई लौटता तो है नहीं, कदाचित कोई लौटे तो बताने की स्थिति में भी ना होता हो। कैसे पता किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर हमें धर्म शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में ब्रह्मादि देवताओं द्वारा गोलोक धाम का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि बहुत पहले की बात है, दानव दैत्य और आसुरी स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के मार से अत्यंत पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके अनाथ की तरह रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। उस समय उसका शरीर कांप रहा था। वहां उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे धीरज बंधाया और तत्काल शिव जी समेत सभी देवताओं को लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके सारी बातें विस्तार पूर्वक बतलाई। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में गोलोक में शीघ्र जाओ। श्री ब्रह्मा जी बोले, प्रभु आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, ये मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उनके लोक का मुझे दर्शन कराइए। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया था। गोलोक द्वार पर खड़े देवता बोले, हम सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ हेतु यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपाल थी अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जिसका नाम शतचंद्र नाना था, वो बाहर आई और उनके आने का प्रयोजन पूछा। वह बोली, यहाँ पधारे हुए सभी देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं? शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, ओहो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्य ब्रह्मांड भी है? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हम तो केवल यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ब्रह्मांड ही नहीं। शतचंद्र नाना बोली, ब्रह्मा जी यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। नारद जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार के उपहास का पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, बोल ना सके। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु के द्वारा अपने ब्रह्मांड का परिचय दिया गया। उनकी बात सुनकर शतचंद्र नाना ने सभी को अंतपुर में पधारने की आज्ञा दी। तब संपूर्ण देवताओं ने परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया। वहां गोवर्धन नाम का गिरिराज शोभा पा रही थी। यमुना तट पर बने करोड़ों महल उनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा उस नदी में उतरने के लिए सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। वहां दिव्य वृक्षों की लताओं से भरा वृंदावन अत्यधिक शोभा पा रहा है। गांवों की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ के हाथ में छड़ी तथा दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सब के शरीर का रंग श्यामल है। वे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसे मधुर स्वर में गाते हैं कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। इस दिव्य निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। उसके ऊपर एक 16 दल का कमल है तथा उसके भी ऊपर एक 8 दल वाला कमल है। उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। 3 सीढ़ियों से संपन्न ये दिव्य सिंहासन कौस्तुक मणियों से जड़ा हुआ है। उस पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली युगल रूप
8 दिव्य सखियों तथा श्रीदामा सहित 8 गोपालों के द्वारा सेवित हैं। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाला पंखा चला जा रहा है। भगवान की सेवा में करोड़ों ऐसे शत्रु प्रस्तुत हैं जो कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से तुलित हो सकते हैं। भगवान ने स्वेच्छापूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। कृष्ण बंसी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रिकुटी विलास के अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। कमल दल की भांति उनकी बड़ी बड़ी विशाल आंखें हैं। घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले प्रभु पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर वर्णमाला धारण किए हुए हैं, जिस पर वृंदावन में विचरण करने वाले मतवाले ब्राह्मणों की गुंजार हो रही है। श्री का चिन्ह भगवान की शोभा बढ़ा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं के अत्यंत हर्ष के कारण आंसू आने लगे। श्री नारद जी कहते हैं, उस समय सबके देखते देखते अष्टभुजाधारी वैकुंठाधिपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात भगवान श्री हरि के श्री विग्रह में लीन हो गए। भगवान नरसिंह जी पधारे और भगवान श्री कृष्ण के तेज में वो भी समा गए। उसके बाद भगवान श्री राम स्वयं वहां पधारे तथा साथ में सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। असंख्य वानर उनकी रक्षा के काम में संलग्न थे। उस सुवर्णमय रथ में लाखों घोड़े जड़े हुए थे। उसी पर बैठकर श्री राम वहां पधारे थे। वे सभी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में विलीन हो गए। तत्पश्चात भगवान नर नारायण वहां पधारे। उनकी 4 भुजाएं थी, नेत्र विशाल थे और मुनि के भेष में वे थे। वे सभी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण में तत्काल लीन हो गए। इस प्रकार के विलक्षण दर्शन प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उन सबको ये भली भांति ज्ञात हो गया कि परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वयं पूर्णतम भगवान हैं। तब वे उन परिपूर्णतम भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने देवियों समेत यदुकुल में जन्म लो। मैं भी अवतार लूंगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वो अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध करूंगा। नारद जी कहते हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब मेरे प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, ये समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गईं और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। श्री कृष्ण श्री राधा से फिर से वादा करते हैं कि पृथ्वी पर गोलोक वृंदावन स्थापित किया जाएगा। उसके बाद श्री कृष्ण राधा रानी को बताते हैं कि कैसे महामाया आदि शक्ति श्री महालक्ष्मी श्री रूपमणि के रूप में विदर्भ में जन्म लेंगी और उनकी अनंत संगिनी बनेंगी, और ये भी बताते हैं कि अन्य कौन सी देवियां उनके किस पत्नी के रूप में जन्म लेंगी। श्री राधा पृथ्वी पर उनके साथ अवतरित होने के लिए सहमत हो जाती हैं। ये है असली गोलोक धाम, ये है गोलोक धाम का वैभव और श्री कृष्ण के राधा रानी समेत पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा, जो कि गर्ग संहिता के अनुसार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।